हमने अभी पीछे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ही बात की कि हम जब क्रिटिकल रीजन डिटरमिन करते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि हमने हाइपोथेसिस जो है वो डायरेक्शनल बनाना है या नॉन डायरेक्शनल बनाना है और उसमें हमने बात की कि अगर हम नॉन डायरेक्शनल बनाएं कि हम कहें कि देयर कुड बी डिफरेंस देयर कुड बी इफेक्ट तो इसका मतलब है कि वो बोथ टेल्स पे आ सकता है यानी अगर हम कहें कि देयर कुड बी इफेक्ट तो वो इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है और वो इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है खास करें मैंने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी है और उस ट्रेनिंग के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रही करी कि इनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो मेरा मोस्ट लाइकली वन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होगा क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर मैंने उनको एक चीज़ सिखाई है तो वो उस चीज़ पे बेहतर हुए होंगे एज़ कम्पेयर टू जिनको मैंने कुछ नहीं सिखाया या पढ़ाया राइट right? तो अगर मुझे इस तरह हो लेकिन अदर वे अराउंड जैसा मैंने आपको आई क्यू की एग्जाम्पल दिया कि मुझे नहीं पता लेकिन आई सपोज के मेल और फीमेल में डिफरेंस होगा तो फिर हम उसके लिए टू टेल टेस्टिंग यूज़ करते हैं सो so, ये डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल में हमने ऑलरेडी बात कर ली हुई है लेकिन स्टेटिस्टिकली हम उसको वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट करते हैं uh, वैसे एस पी एस एस के अंदर बाई डिफ़ॉल्ट वो टू टेल की ऑप्शन लेता है लेकिन जब हम मैनुअली टेस्ट हल करते हैं और हमने क्लियर कट कोई डायरेक्शनल हाइपोथिस बनाया है कि नहीं बॉयज़ आर बेटर और स्मार्टर देन गर्ल्स ये उसे मैं बायस टीना हो जाऊँ कि मैं बॉयज़ को बार बार अदर वे अराउंड कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि फर्स्ट करें गर्ल्स आर स्मार्ट देन बॉयज तो फिर इसका मतलब है कि मैं अपना वन टेल टेस्ट यूज करूंगी क्यों क्योंकि मैं ये कह रही हूँ कि हमारी इधर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ आई एम सेइंग कि इट विल बी ग्रेटर देन द अदर ग्रुप तो फिर मेरा सारे का सारा जो क्रिटिकल रीजन है फाइव परसेंट वो सारे का सारा मेरा इधर आ जाएगा जो कि रिजेक्शन रीजन है जैसे uh, इधर मैंने एग्जाम्पल दी हुई कि परफॉर्मेंस इज़ नॉट इंक्रीज या फिर परफॉर्मेंस इज़ इंक्रीज जब मुझे क्लियर कट पता होगा कि ये डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है तो हम अकॉर्डिंगली फिर वन टेल और टू टेल टेस्ट यूज़ करेंगे और क्रिटिकल रीजन भी अगर टू टेल है तो स्प्लिट हो जाएगा और अगर वो वन टेल है तो वो एक साइड पे रहेगा दिस इज़ अ क्लियर डिमॉन्सट्रेशन यू कैन सी कि इसको स्टेटिस्टिकली हाइपोथिस को हम इस तरह से लिखते हैं मैंने जो पीछे आपको हाइपोथेसिस लिख के दिए हैं वो मैंने आपको स्टेटमेंट की सूरत में लिख के दिए हैं यानी दे वर लाइक इन वर्ड्स ये हमारा जो पहला वाला है ये हमने कहा है वन टेल हमने बनाया लेकिन हमने कहा है कि वो लोअर है परफॉर्मेंस हर्ट होगी या फिर लेसर होगी या फिर आप जैसे कह सकते हैं कि आपने उसको बनाया कि पॉपुलेशन की मीन आप एज्यूम कर रहे हैं थ्री है लेकिन आपको हाइपोथेसिस है कि नहीं इट इज़ लेस देन थ्री राइट तो फिर आपकी हाइपोथेसिस ऐसे बनेगी यानी म्यू इज़ लेस देन थ्री अगर आपने कहा है कि म्यू इज़ ग्रेटर देन थ्री तो फिर आपकी इस टेल के ऊपर रिजल्ट आएंगे या ऐसे ही है जिस हमने भी कहा है कि गर्ल्स आर बेटर और गर्ल्स आर नॉट बेटर लाइक दे आर अदर वे राउंड तो फिर हम इसको वन टेल पे करेंगे लेकिन अगर हम कहें कि म्यू इज़ नॉट इक्वल टू थ्री या आई डोंट नो के बॉयज़ और गर्ल्स में कोई डिफरेंस है कि नहीं है सो आई एम सेइंग सेंग मीन वन इज़ नॉट इक्वल टू मीन टू तो फिर हम ये टू टेल टेस्ट यूज़ करते हैं सो टू टेल टेस्ट में याद रखने की सिर्फ यही बात है कि फिर आपकी जो कंपेयर करते हैं हम अपनी वैल्यू को टेस्ट वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू के साथ वो फिर हमारा जो अल्फा लेवल है वो स्प्लिट हो जाता है टू टेल में हम अपनी पी वैल्यू को कंपेयर करेंगे पॉइंट ज़ीरो टू फाइव के साथ अगर हमने फाइव परसेंट रखा हुआ है तो सिग्निफिकेंस के लिए हमारी पी वैल्यू पी वैल्यू का मतलब है जो हमारा एल्फा हमने रखा हुआ है वो स्प्लिट हो जाएगा फिर हम उसको इस तरह करेंगे टू टेल के अंदर लेकिन अगर वन टेल है तो फिर हम कहेंगे कि पी शुड बी स्मॉलर देन पॉइंट ज़ीरो फाइव फिर हमारा पूरा फाइव परसेंट एरिया जो है वो ए की तरफ आ जाएगा सो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस कि हम अपनी एरिया को स्प्लिट कर देते हैं और जब एरिया स्प्लिट करते हैं तो उसके मुताबिक हमारी एल्फा लेवल पी वैल्यू चेंज हो जाती है और इसी तरह जी की वैल्यू भी हमारी चेंज हो जाती है

ऑन परफॉर्मेंस आपने उसको स्पेसिफाई नहीं किया कि ट्रेनिंग विल एनहेंस परफॉर्मेंस और ट्रेनिंग विल हर्ट परफॉर्मेंस तो इसका मतलब है फिर आपने उसको नॉन डायरेक्शनल रखा है लेकिन अगर आप उसको डायरेक्शनल कर देते हैं तो फिर आप ये कह सकते हैं कि मीन वुड बी ग्रेटर देन द म्यू यानी ट्रेनिंग के बाद जो बच्चों की परफॉर्मेंस होगी वो बेहतर होगी एज़ कम्पेयर टू ऑल द किड्स इन द पॉपुलेशन जो आपकी रियल पॉपुलेशन है